औरतें नाच रही है, औरतें नाच रही है जिसके पैरों में रसूलुल्लाह ने पासे घुंघरू वाले को पसंद नहीं किया, उनकी औरतें नाच रही है। नाचने वाली माँ से कभी टीपू सुल्तान पैदा होगा? नाचने वाली माँ से कभी अली अकबर पैदा होंगे? नाचने वाली माँ से कभी कासिम पैदा होंगे? नाचने वाली माँ से कभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम पैदा होंगे? कभी नहीं। नाचने वाली माएं ऐसे इंकलाबियों को पैदा नहीं करती, वही माएं इंकलाबी पैदा करती है जो नाचती नहीं है बल्कि नाचने वालों के पैरों में बेड़ियां डाल देती है। लेकिन हमने तो पूरा सिस्टम बदला। अपनी अहमियत को समझो। जब मेरे अल्लाह ने फजीलत बयान की ना उम्मत मुहम्मदिया की, क्या बयान की पता है? मूसा एक कौम ऐसी भेजने वाला हूं तुम्हारे बाद, मिलाद का महीना भी थोड़ा सुन लीजिए, मूसा तुम्हारे बाद एक कौम भेजने वाला हूं जो रात भर गुनाह करेगी और सुबह को इतना कहेगी कि अल्लाह मुझे माफ कर, सब माफ कर दूंगा। ये वीआईपी कोटा किसी के लिए नहीं था। इतने सस्ते में मगफिरत? मेरे इमाम कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। एक बात आपको याद रखना चाहिए, बड़ा कभी छोटे की नकल नहीं करता, छोटे बड़ों की नकल करते हैं। तुम कायनात के इतने बड़े हो कि कोई तुमसे बड़ा नहीं है, क्योंकि तुम नबी के गुलाम हो और नबी के गुलाम होने की वजह से तुम इतने बड़े हो कि मूसा ने तुम्हें मांगा। हजरते मूसा ने तुम्हें मांगा, कब मांगा पता है? अल्लाह ने तुम्हारी फजीलत हजरत मूसा के सामने बयान किया। क्या शान वाले हो कि अल्लाह तुम्हारी फजीलत बयान करता है। कभी अपने आप को तो समझो। एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, जो अपने आप को नहीं समझता, जो अपने आप की कदर नहीं करता, कायनात उसकी कदर नहीं करती। पहले अपनी कदर खुद सीखो, पहले अपनी अजमत, गुरूर न करना, घमंड न करना, लेकिन पहले अपनी अहमियत खुद सीखो। तुम नाचने वाली कौम नहीं हो, तुम नाचने से रोकने वाली कौम हो, क्योंकि तुम वीआईपी हो। मैंने लोगों को ये बात कई बार कही तो लोगों को है, मैंने कहा जानवर भी हर जानवर नहीं नाचता, बंदर और भालू नाचते हैं जो बिल्कुल बेकवर समझे जाते हैं पूरे जंगल में। कभी शेर को नाचते देखा? सर्कस में भी शेर नचाया नहीं जाता, हालांकि वो शेर उसके दांत तोड़ दिए जाते हैं, उसको शेरों की बिरादरी से अलग कर दिया जाता है, लेकिन सर्कस वाले उसको आग से गुजारते, नचा नहीं पाते। नाचते भालू और बंदर है, शेर कभी नहीं नाचता, क्योंकि शेर जंगल का राजा है। राजाओं को नचाया नहीं जाता, प्रजा नाचा करती है। मुसलमानों, जब जानवरों के अंदर वीआईपी जानवर नहीं नाचता, नाचने के लिए दूसरे लोग हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम नाचने के लिए नहीं। तुम कैसे शादियों में क्यों नाचते हो? तुम्हारी औरतें क्यों